नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। बदहाल विद्यालय सिद्धार्थनगर जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का बुरा हाल है। ज्यादातर विद्यालयों में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। बाउंड्री वॉल से लेकर पीने का पानी और साफ सफाई से लेकर बाथरूम के दरवाजे भी ज्यादातर विद्यालयों में नहीं है। अफसोस की बात तो यह है कि सिद्धार्थनगर जिला उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का गृह जनपद है और यहाँ के इटावा विधानसभा सीट से वह निर्वाचित हुए हैं। आज हम आपको बेसिक शिक्षा मंत्री के निर्वाचित क्षेत्र में आवासीय कस्तूरबा विद्यालय का हाल दिखाते हैं। इसे आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि जिले में इन विद्यालयों का क्या हाल है। सुनसान खेतों में खड़ी यह इमारत इटवा ब्लॉक के सिसवा बुजुर्ग गांव स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की है। इस आवासीय विद्यालय में वर्तमान में लगभग 990 बालिकाओं का रजिस्ट्रेशन है। कोरोना की वजह से बच्चियां तो यहां नहीं हैं, लेकिन यहां का स्टाफ रहता है। इस विद्यालय का हाल यह है कि 3 साल से यहाँ की बाउंड्री टूटकर पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। बाउंड्री वॉल और गेट न होने से आवारा कुत्ते और जानवर बेरोक टोक विद्यालय परिसर और कमरे में घूमते हैं। विद्यालय में साफ सफाई कहीं नजर नहीं आ रही है। किचन हो या बच्चों के इस्तेमाल की अन्य चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं। हद तो यह है कि यहाँ पीने के साफ पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। विद्यालय में स्थित शौचालय में दरवाजा तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि विद्यालय की ऐसी दयनीय स्थिति अभी हाल में हुई है। विद्यालय की हालात पिछले 3 सालों से ऐसे ही हैं। शिक्षा मंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के नाते यहाँ का स्टाफ भी डरा सहमा रहता है। यहाँ मौजूद स्टाफ यहाँ की कमियों को कैमरे पर बताने को भी बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन छिपाकर रिकॉर्ड की गई इनकी बातों से आप उनकी परेशानी और डर का अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं। यहाँ की वार्डन ने बताया कि कर्मियों को लेकर जिला प्रशासन को पिछले 3 सालों से कई बार लिखित अवगत करा चुकी हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। वार्डन ने बताया कि विद्यालय मैनेजमेंट के लिए लगभग 6,000 महीना आता है, लेकिन मुख्यालय से उन्हें यह धनराशि भी नहीं मिलती है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी इन्हीं विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं और यहाँ हर महीने उनका दौरा अपने विधानसभा क्षेत्रों में होता रहता है। मंत्री बनने के बाद यहाँ के लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें भी थी कि जिले के सभी विद्यालयों का कायाकल्प होगा और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार होगा। उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में स्थित इस दयनीय अवस्था में पहुँच चुके विद्यालय के बारे में उनसे बात की गई तो नेताओं के रटे रटाए सटीक शब्दों में उन्होंने यह कह दिया कि जल्द ही सभी आवासीय कस्तूरबा विद्यालयों की कमियाँ दूर कर दी जाएंगी, इस पर काम शुरू होने वाला है। वहीं स्कूल में मैनेजमेंट का पैसा ना मिलने की बात पर मंत्री जी ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई की बात भी कही है। मंत्री जी के गृह जनपद में तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह को यहां के कार्यभार ग्रहण किए लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। इनका दावा है कि वह बराबर सभी विद्यालयों का औचक निरीक्षण भी करते हैं, लेकिन इस कस्तूरबा विद्यालय की इस दयनीय स्थिति की जानकारी उन्हें नहीं है और ना ही उन्हें यह पता है कि विद्यालय में मैनेजमेंट का पैसा क्यों नहीं जा रहा है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। आप कैमरा पे बहुत कुछ बोल सकते हैं, हम कैमरा पे कुछ नहीं बोलेंगे। आप कैमरा पे क्या बोलेंगे? आप कैमरे पे या कुछ वैसे तो बहुत कुछ बोलने के हो, लेकिन नहीं बोलेंगे, सब आपस के लोग हैं। बाकी खैर देखा जाएगा। भैया नहीं, 6,000 रुपये नहीं, मेंटेनेंस के लिए क्या पैसा आता सर, ये हम लोगों से कुछ नहीं बताया। आप देख रही हैं बाउंड्री वाल कितने दिन से, ये बाउंड्री वाल करीब 3 साल से ऊपर हो गया सर, ये बाउंड्री वाल तो इसके लिए आपने इसके मैंने लिए आप... कई बार DM साहब को STM साहब को मैंने कई बार ये कुछ नहीं हो रहा। ये हो रहा है कि आपकी सत्र में 2020 मतलब ये आपकी सत्र जो है ये फाइनल तक हो सकता है कुछ काम की, और टॉयलेट में दरवाजे नहीं हैं। उसके लिए मैंने अभी भी प्रारूप में जितनी बार महीने में 2 बार मेरी मीटिंग होती है, मैं जब भी जाती हूँ भाई हम नहीं सर मेरी बात मानेंगे प्लीज। आप बोलिए, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप कहीं ना कहीं दिखाओगे आप। अरे हम नहीं, हम कैमरा बंद है ना, वो कैमरा चालू है ना। अरे वो मोबाइल चालू से वो रिकॉर्ड हो रहा है भैया। नहीं आप बोलिए तो, मान लीजिए आप मेरी बात मान लीजिए प्लीज सर आप बता दीजिए। यहाँ कुछ और नहीं होगा क्योंकि हम महिलाएं हैं ना, तो हमको टर्मिनेट किया जाएगा, हमारे ऊपर दबाव बनाया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। ये अभी भी आप हैं, अभी भी मुझसे यही कहा भैया, आप देखो आप ये गलत कर रहे हो।
सर, आप ही के विधानसभा क्षेत्र इटवा ही ब्लॉक का एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, उसकी हालत बहुत खस्ता है। वहां पर पीने के पानी से लेकर के टॉयलेट, बाउंड्री वाल कुछ भी नहीं, बच्चों का स्कूल है, क्या कहेंगे? एक ये समस्याएं वहां के संज्ञान में आई हैं, हमारे विभाग के द्वारा कुछ काम हो रहे हैं। अभी कस्तूरबा विद्यालयों का उच्चीकरण भी होना है, उसमें कुछ नए भवन भी बनने हैं। अन्य जो समस्याएं हैं वो संज्ञान में आई हैं, जल्दी ही उन समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। और कुछ आरोप लगाए हैं वार्डन ने कि जो विद्यालय के मेंटेनेंस के लिए पैसा आता है वो उनके पास तक नहीं पहुँच पा रहा है, उसकी जाँच के लिए आज ही आदेश कर रहा हूँ कि वो पता चले कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। जल्दी ही जाँच होगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देसी हैंडपंप से लोग पानी पी रहे हैं, पीने की कोई व्यवस्था? मैंने कहा ना कि वहाँ की सारी समस्याएं संज्ञान में आई हैं, लखनऊ पहुँचते ही उस पर कार्रवाई शुरू कराता हूँ।